हेलो गाइस, अगर आप किसी भी आईफोन के एक्टिवेशन लॉक को परमानेंटली हटाना चाहते हो, आइदर आपका फ़ोन स्टॉलन मोड का है और आपने कहीं पाया है, या अदरवाइज आप पासवर्ड या आईडी भूल गए हो, तो इन दैट सिचुएशन आप कैसे परमानेंटली आई क्लाउड एक्टिवेशन लॉक को हटा सकते हो। सो वॉच इट लाइव टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आई एश्योर यू 100% गाइज, आप परमानेंटली टर्मिनेट कर सकते हो बाई यूजिंग अ कंसोल मेथड। सो हियर एक बार मैं फिर से आपको कन्फर्म करा दूँ। सी गाइज, जब कभी भी मैं ए आईफोन डिवाइस कनेक्ट करता हूँ पीसी से, तो ऑलवेज सेम ऑन अ आईट्यून जो आपका डिवाइस लिंक्ड है किसी एप्पल आईडी से, वो आप एप्पल आईडी एंड पासवर्ड डालिए, तब आप अनलॉक कर सकते हो। सो इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू कम इन इमेजिंग सॉफ्टवेयर एंड सिंपली यू हैव टू कम ऑन दिस शो डिवाइस कंसोल ऑप्शन, एंड जितने सारे कंसोल यहाँ पे अकुमुलेटेड है, जस्ट लेट मी मैक्सिमाइज, एंड आपको यहाँ से क्लियर कर देनी है। सो आफ्टर इच 5 मिनट आपको सारे कंसोल क्लियर करनी है। सो स्टिल कमिंग गाइज, सो लेट मी क्लियर। सी गाइज, अकुमुलेट हो रहा है सारे कंसोल डेटा जो अवेलेबल है इस आईफोन डिवाइस पे। सो लेट मी क्लियर। दूसरे और जस्ट यू हैव टू कम इन अ 3U टूल। सी गाइज, iOS इज़ वर्किंग हियर 12.4.7, तो आपको सिंपली फ्लैश में जाना है और जो iOS आपको रिकमेंड करेगा, क्लिक ऑन अ रिफ्रेश, एंड जो iOS रिकमेंड करेगा वो आपको IPSW डाउनलोड करना है। या तो डायरेक्टली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या आप इस वेबसाइट से आके IPSW आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आपको चूज करना है जो है। जैसे सपोज मान लो कि आपका iPhone 6 है, तो हम iPhone 6 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लेट मी स्क्रॉल डाउन। सी गाइज, 6 पे क्लिक करेंगे और ये आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंड करेगा कि ये आप IPSW iOS डाउनलोड कर लीजिए जो आपके मोबाइल में इजली अपडेट कर सकते हो। सो नाउ सी गाइज, ये आप IPSW आपको डाउनलोड करना है। सो सिंपली आप क्लिक करोगे इस पे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। सो सी गाइज, हियर मैं कंसोल फिर से जमा हो गया बहुत ज़्यादा, हम यहाँ से क्लियर करेंगे, फिर से क्लियर करेंगे। बहुत ज़्यादा कंसोल है, जब तक सारा क्लियर ना हो जाए कंसोल गाइज, तब तक आपको क्लियर करना है, क्योंकि जो जो भी डेटा इस पे अवेलेबल रहेगा बिकॉज ऑफ दैट आपका डिवाइस लिंक रहेगा। सो स्टिल ऑल द कंसोल इज अ कमिंग, सो आपको क्लियर करना है। स्टिल कमिंग गाइस, नाउ ये आपको अकुमुलेटेड होते रहने देना है। फिर उसके बाद आपको या 3U टूल में आना है और टूल बॉक्स में क्रैश एनालिसिस, एंड क्रैश एनालिसिस से यहाँ से सारी डेटा क्लीन कर देनी है जो भी डेटा है। सो हम डायरेक्टली कंट्रोल और प्रेस ए बटन दबाएंगे कंप्यूटर का और सेलेक्ट ऑल और डिलीट कर देंगे सारे के सारे। सो सी गाइज, ऑलमोस्ट डिलीट हो गया है यहाँ से। अब लास्ट में एंड में आपको दिखाऊंगा कि कैसे डीएक्टिवेट करनी है विद द हेल्प ऑफ स्किपिंग एक्टिवेशन आई क्लाउड। सो आप कैसे स्किप करोगे और कैसे डीएक्टिवेट ऑप्शन। अब इसके बाद सिंपल गाइज, आपको एक बार फिर से क्लियर करनी है यहाँ से। सो नाउ ऑलमोस्ट क्लियर गाइज, जब तक ये वाइट ब्लैक स्क्रीन ना आ जाए तब तक क्लियर करो आप इसको। सो
लेट इट अकुमुलेट, ये सारे डेटा अकुमुलेट करेगा। ऑन द अदर हैंड आपको सिंपली अब iTunes पे आना है। नाउ सी स्टिल इट्स ए लिंक, नाउ जस्ट क्लिक ऑन अ 3U टूल और आप डायरेक्टली इसको पुश करोगे रिकवरी मोड में। सो इंटर रिकवरी मोड ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे हम। नाउ सी गाइस, आपका डिवाइस रिकवरी मोड में चला गया है। अगर iTunes की सिचुएशन देखें हम यहाँ पे तो ये डिसकनेक्ट हो गया है, और इसका देखें तो ये रिकवरी मोड में चला गया है। सो इसको रिकवरी मोड में रहने दो आप। फिर उसके बाद इमेजिंग सॉफ्टवेयर पे आएंगे और स्टिल आ रहा है, क्लियर करेंगे। नाउ सी ऑलमोस्ट वाइट कलर होने लगा है, ऑलमोस्ट सारे डेटा जो अवेलेबल हैं इरेज हो गया है। नाउ अब क्या करेंगे इन 3U टूल, अब आपको सॉरी इन iTunes, अब आपको क्या करना है गाइस, सी आपको सिंपल हेयर ऑन अ अब गाइस आपको सिंपली इस पे शिफ्ट बटन प्रेस करनी है। सो आप कंप्यूटर की शिफ्ट बटन प्रेस करके आप यहाँ इसको काटो और फिर इसके बाद आप रीस्टोर पे क्लिक करोगे। शिफ्ट बटन कंप्यूटर का होल्ड करो और आप रीस्टोर पे आप क्लिक करोगे, आपकी मेनू आ जाएगा। यहाँ पे मैं IPSW डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रखा हूँ, सिंपली सिलेक्ट करेंगे IPSW और ओपन कर देंगे। ये कह रहा है सारा कुछ इरेज हो जाएगा आपका, तो आप रीस्टोर पे क्लिक कर दो। अब देखिए गाइस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना सारे सॉफ्टवेयर को चालू कर दिया है कंप्यूटर। अब 3U टूल पे आएंगे, देखिए स्टिल आपका डिवाइस रिकवरी मोड में है। दूसरा इन 3U टूल एक्सट्रैक्टिंग कर रहा है सारे सॉफ्टवेयर को, प्लस ऑन द अदर हैंड आपका कंसोल ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। स्टिल दिस इमेजिंग सॉफ्टवेयर इज ट्राइंग टू फेस द ऑल द डेटा दैट इज अवेलेबल ऑन दिस डिवाइस गाइस। नाउ आई विल कम ऑन अ 3U टूल, स्टिल रिकवरी मोड में है गाइस। और अगर iTunes की बात करें तो स्ट्रक्टिंग कर रहा है। सो गाइज लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे ईजली न्यू एप्पल आईडी और पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हो इस डिवाइस पे। आप सो ये वीडियो शायद लेंदी हो जाए, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 20 मिनट, बट आई एश्योर यू 100% बाय यूजिंग अ दिस कंसोल मेथड आप ईजिली किसी भी आईफोन डिवाइस के आई क्लाउड एक्टिवेशन को परमानेंटली टर्मिनेट कर सकते हो। आइदर ये फ़ोन चोरी वाला हो या आपने कहीं पाया है या आपने पासवर्ड भूल गया है या आपने एप्पल आईडी और पासवर्ड दोनों भूल गया है, तो आप इजीली बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजी आप आसानी से किसी भी आईफोन डिवाइस के आई क्लाउड परमानेंटली रिमूव कर सकते हो। सो सी गाइज अब सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं अभी। अगर 3U टूल की देखे सिचुएशन तो अभी भी रिकवरी मोड में कनेक्ट है, और अगर आप इमेजिंग सॉफ्टवेयर की देखें तो आप ये डेटा अभी भी कंसोल को फैच कर रहा है। सो हमें 3U टूल के जरिए अभी काम है। एट द एंड आई विल शो यू आप कैसे इन टूल बॉक्स में आके आप सी अभी डीएक्टिवेट ऑप्शन अनहीडन मोड में है, जब हाईलाइट होगा तो आपको कैसे एक्टिवेट करना है बाय ऑप्शन स्किपिंग एक्टिवेशन एरिया ये वाला। सो हम सिंपली iTunes पे आ जाएंगे। अभी भी एक्सट्रैक्टिंग हो रहा है डेटा, देखते हैं। समटाइम्स गाइज 98% आपका चांस है कि आप अनलॉक टर्मिनेट कर दोगे, अदरवाइज वी हैव अदर ऑल्सो चॉइस जो इन आप 3U टूल में आके डायरेक्टली फ्लैश यहाँ पे हेयर एंटी रिकवरी फ्लैश करेंगे। हम कोई भी डेटा रिकवर करनी नहीं है,
और फिर इसके जरिए हम फ्लैश करेंगे IPSW सेलेक्ट करके। तो आप एब्सोल्युटली 100% प्रोबेबिलिटी है कि आप इसके ज़रिए भी कर सकते हो, 98% मोस्टली मान लो कि शायद गाइस 95% सेलफोन स्पेशली आईफोन डिवाइस अनलॉक हो जाता है परमानेंटली, या तो आप एंटी रिकवरी के ज़रिए या अगर आप आईटून के ज़रिए। समटाइम्स इरर आ जाता है गाइस 3U Tool में अगर एक्टिवेशन लॉक लिंक होता है, बट आईटून के ज़रिए मोर रिलायबल, इसीलिए मैं आपको आईटून के ज़रिए रिकमेंड किया हूँ। तो आप एंटी रिकवरी सिलेक्ट करोगे और फिर फ्लैश करोगे। सो इसको अभी यहीं रहने देते हैं, जस्ट हम आईटून पे आएंगे अभी। या सी अब अभी भी ट्राई कर रहा है फैच करने की। सो लेट मी मिनिमाइज दिस वन। सी गाइज अभी भी प्रॉब्लम ही आ रहा है, कह रहा है दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद आईफोन दैट यू रिक्वायर टू बी अपडेटेड एंड रीस्टोर। सी गाइज अगर आईट्यून से अगर ये रिकवर आ रहा एरर आ रहा है, एक बार दोबारा हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। लेट्स सी, या आप अगर इसे एरर आ रहा है गाइज आईट्यून से किसी भी वजह से नहीं ले रहा है, तो आप सिंपली 3U Tool में आ जाना और यहाँ पे एंटी रिकवरी कर देना और इसको इंपोर्ट कर लेना डेटा आप यहाँ से। नाउ वेरीफाई कर रहा, समटाइम्स नेटवर्क सर्वर की वजह से गाइज अगर आपको नहीं ले रहा है, स्टक्ट होने के बावजूद भी अगर फुल प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, तो आप इसे ऐसे ही रहने दो। सिंपली आप 3U Tool पे आ जाना, इन 3U Tool वेरीफाई करेगा और फिर उसके बाद हम एंटी रिकवरी फ्लैश करेंगे। जो कोई भी डेटा अगर है अवेलेबल जिस वजह से नहीं हो पा रहा है, तो हम इसके ज़रिए 3U Tool के ज़रिए हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सो 85% ऑलमोस्ट वेरीफाई हो गया गाइज, आई थिंक ये ले लेगा, तो फिर आप इसके ज़रिए कर सकते हो। सो इम्पोर्टेड हो गया, एंटी रिकवरी मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे। सी गाइज उसमें रिटेन यूज़र डेटा नहीं होना चाहिए, जो भी अगर आपका डेटा अवेलेबल है या आई मीन किसी भी आईफोन डिवाइस पे, तो रिटेन हो जाएगा, दोबारा रहेगा ही। तो इसके लिए आप डायरेक्टली एंटी रिकवरी फ्लैश करके आपको ओके कर देनी है। तो यहाँ पे सिंपली गो टू फ्लैश। सो देखिए गाइज स्ट्रक्टिंग यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया। अगर बाय द वे आईट्यून में एरर आया स्ट्रक्ट करना आईक्लाउड को, क्योंकि समटाइम्स एप्पल सर्वर ट्रेस कर लेता है कि दिस फोन इज इन आईक्लाउड एक्टिवेशन मोड। सो सी गाइज अभी भी एक्टिवेशन रिकवरी मोड में है अभी। लेसिंग एंड 3U Tool अप्रोक्सीमेटली 5% एक्सट्रैक्ट किया। आप दोनों सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, बट मोर रिलायबल इन आईट्यून। बट आईट्यून में भी समटाइम्स एरर आ जाता है किसी वजह से, तो शायद इस वजह से हम 3U Tool के जरिए यूज कर रहे हैं। बट अगर कोई सेलफोन दूसरा अगर आईफोन आते हैं, तो आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ आईटून आल्सो हाउ यू विल गो फॉर टर्मिनेट परमानेंटली आई क्लाउड को आप कैसे रिमूव कर सकते हो। नाउ सी गाइस या एंटी रिकवरी फ्लैश प्रोसेस हो रहा है। सो शायद अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट से ज़्यादा अब ले लिया टाइम, बट आपको वॉच करना है टिल द एंड ऑफ दिस और सिमिलर प्रोसेस आपको एग्जीक्यूट करना है। तो मैं 100% गारंटी देता हूँ गाइज यू विल बी एबल टू आप रिमूव कर सकते हो परमानेंटली। सी गाइज एरर होने के चांसेस बहुत सारे हैं, या तो डेटा केबल आपका ख़राब है,
मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊं कि डेटा केबल कैसे वेरीफाई करनी है कि ये सूटेबल है या नहीं है किसी भी आईफोन डिवाइस को आई क्लाउड टर्मिनेट करने के लिए। समटाइम्स डेटा केबल अगर प्रॉपर ना हो तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। दूसरा, सॉफ्टवेयर लेटेस्ट ना हो, अपडेटेड ना हो तो उसके वजह से भी आ जाते हैं। बट 100% एक कंसोल मेथड के जरिए आप टर्मिनेट कर सकते हो आई क्लाउड को। मोस्टली 98-99% इज गाइस, समटाइम्स सर्वर की वजह से ही आप टर्मिनेट नहीं कर पाओगे, अदरवाइज इजली हो जाता है। सो 9% हुआ गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इसमें भी एरर आ गया देन आपको डाटा के आई एम डेटा केबल चेंज करना होगा। और समटाइम्स अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगा इस तो आप वीपीएन जो सर्विस है आपका इंटरनेट का वो चेंज कर लेना। इससे आपको आईपी एड्रेस और लोकेशन चेंज हो जाएगा, जहाँ से ये फ़ोन ख़रीदा हुआ है वहाँ कंट्री का आप वर्चुअल नेटवर्क प्राइवेट सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद स्टार्ट करना सिमिलर प्रोसीजर, 100% आप टर्मिनेट कर दोगे। सो 9% है बेबी, हो सकता है यहाँ भी एरर आए बट देखते हैं। ये ना आईट्यून देखेंगे गाइस तो अभी भी ये रिकवरी मोड में पड़ा हुआ है। और अगर इमेजिंग सॉफ्टवेयर का देखें तो ये स्टिल फैच कर रहा है, मतलब है डेटा थोड़ा बहुत। अब हम 3U टूल पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। सिंपली गाइस ही एक्चुअली जब प्रोसेसिंग अगर हो रहा हो यहाँ पे और रिक्वेस्टिंग फॉर एसएच एसएच हो रहा हो तो फिर आप वहाँ पे डिस्कनेक्ट या किसी भी तरह की डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल हैव अ प्रॉब्लम। सो अभी आप कुछ मत करो, अगर उस प्रोसेस पे अगर स्टिल स्टक है हाउएवर यू विल हैव टू वेट गाइस, आप इंतज़ार करो और सिंपली ये प्रोसेस कंटिन्यू कैरी ऑन होने दो। नाउ सी अगर हम इसका देखें कंसोल का क्या सिचुएशन है तो सी गाइस स्टिल फैचिंग। सो इसको हम क्लियर कर मिनिमाइज कर देते हैं और 3U टूल का स्टिल यहाँ पे रुका हुआ है, देखते हैं What will happen? And in iTunes, still it is in a recovery mode. So, 3U tool. Still on a 9% guys. इसमें भी एरर आ रहा है गाइस, माइट बी प्रॉब्लम। सो दोबारा ट्राई करेंगे हम इसके जरिए, शिफ्ट क्लिक करेंगे रीस्टोर ऑप्शन और हम सेलेक्ट करेंगे वंस अगेन एंड आई विल गो फॉर इट। यस आई वुड लाइक टू,
हो सकता है गाइस डेटा केबल की एरर आ रहा हो, जिस वजह से प्रोसेस नहीं हो पा रहा हो, बट लेट्स सी, ये लास्ट चांस है, देखते हैं, अगर ले लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हो सकता है हार्डवेयर में भी प्रॉब्लम हो गाइस। तो हार्डवेयर को कैसे चेक करते हैं मैं आपको न्यू वीडियो में दिखाऊंगा कि बाय कंप्यूटर आप कैसे वेरीफाई करोगे कि हार्डवेयर क्या क्या इसका कंपोनेंट ख़राब है और नहीं। अगर 3U टूल के देखें तो सी अप गाइस, ये डिसकनेक्ट हो गया ऑलमोस्ट और नेटवर्क सर्वर ऑफ कह रहा, सो माइट बी नेटवर्क सर्वर प्रॉब्लम हो गाइज, इसकी वजह से ऐसा हो रहा हो तो आपको नेट कनेक्शंस ऑन होना चाहिए इसमें, अदरवाइज आपको दिक्कत होगा। अभी भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, सो दोबारा देखते हैं। स्टिल एरर आ रहा है गाइज, सो कुडंट बी रिस्टोर, माइट बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। सो दोबारा नेटवर्क प्रॉब्लम हम चेक करेंगे पहले कंप्यूटर का। और सिंपली हम 3U टूल में आएंगे और दोबारा रिकनेक्ट करेंगे नेटवर्क और जस्ट एंटी रिकवरी करके आप क्लिक कर दोगे। सिंपली 9% पे है अभी भी, नेटवर्क फ्रिक्वेंसी 11 हो गया गाइस, देखो आप, सॉरी आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम था इसके वजह से नहीं लिया था। नाउ सी गाइस इट हैज स्टार्टेड। सो समटाइम्स आप एरर अगर आ रहा है तो आप इंटरनेट की भी ले सकते हो कि आई मीन एरर की वजह से भी आपको नहीं आ सकता है, तो आप बी अलर्ट। अगर आप नेटवर्क चेकअप करते रहना कि आप फ्लाई मोड या किसी भी और मोड में ना चले जाएं, जिसके वजह से आपको सर्वर प्रॉब्लम की वजह से या आपको प्रोसेस ना फर्दर अहेड हो, तो आप सी अगर देखें तो आउट ऑफ रिकवरी मोड चला गया है गाइज। नाउ दिस वन 20% ऑलमोस्ट हो गया, तो अब आई विल हैव टू वेट टिल द वॉच ऑफ दिस। सो समटाइम्स गाइज नेटवर्क प्रॉब्लम, नाउ सी हियर आप ए प्रोसेस टिल द कंप्लीट ऑफ 100% आप होने दो। अगर इसका सिचुएशन देखिए तो ये आउट ऑफ है गाइज, रिकवरी मोड से एग्जिट हो गया है और ये यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। 20% इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, सो वॉच एंड कंसोल की सिचुएशन क्या है, ये ऑलमोस्ट क्लियर है। हाउएवर लेट मी 1-2 टाइम्स क्लिक ऑन दिस टू क्लियर,
नाउ आप इसको मिनिमाइज कर लो गाइस कंसोल का और यहाँ पे ये प्रोसेस ऑन होने दो। सी आई पी एस डब्ल्यू आप बीटा वर्जन हो या अनबीटा वर्जन भी हो आप कर सकते हो, बट मोस्टली प्रेफर करना बीटा वर्जन। अगर अवेलेबल है तो आप बीटा वर्जन ही आई पी एस डब्ल्यू डाउनलोड कर लेना। सो सी गाइस मैं इसको डाउनलोड का सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। नाउ यहाँ पे गाइज आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो टू डाउनलोड। ये अप्रॉक्सीमेटली 3 GB का है तो टाइम लगेगा, आप पहले ही ऑलरेडी डाउनलोड कर लेना सारा कुछ। सो आप इसके जरिए आई पी एस डब्ल्यू डाउनलोड कर सकते हो आसानी से फ्रॉम दिस वेबसाइट। और ये 26% कंप्लीट हुआ है, तो समटाइम्स एरर गाइज हो सकता है कि आपको इंटरनेट की वजह से भी आ सकता है, तो बी अलर्ट। अगर ये प्रोसेसिंग हो रहा है आप इंटरनेट कनेक्शन देख लेना। ट्वेंटी 8% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 30% गाइस सी एंटी रिकवरी में ऐसा है कि आप जो भी डेटा अगर इस पे था या है वो आप दोबारा रिकवर नहीं होगा, सारा का सारा वाइप आउट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इसके कारण से क्या होगा कि एप्पल सर्वर को आपको एप्पल अथॉरिटी स्पेशली ट्रस्ट नहीं कर पाएगा कि कोई डेटा अवेलेबल है भी बिकॉज ऑफ दैट आई क्लाउड लिंक्ड है या नहीं ईजली। तो गाइज आप इसके ज़रिए सिंपली एंटी रिकवरी प्रोसेसिंग के ज़रिए आप ईजली कर सकते हो। सो आप देख लेना अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, आइदर यू विल स्टार्ट टू इरेज ऑल द डेटा दैट इज अवेलेबल ऑन आईफोन डिवाइस बाय यूजिंग ऑफ योर आईट्यून और थ्री यूट्यूब। बट आप गाइस एक कंसोल क्लियर जरूर कर लेना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा, यू वॉन्ट बी एबल टू। सो कोई न्यू सेट आता है गाइज सो पे तो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। एक्चुअली आईट्यून के ज़रिए भी आप कैसे प्रोसेस करोगे। सो 38% हो गया गाइज, बट चांसेस एरर का ज़्यादातर होता है या तो डेटा केबल कनेक्शन या इंटरनेट सर्वर की वजह से भी हो जाता है। बट सी जो भी सर्वर आपका है कनेक्शन गाइज इंटरनेट का, उसका वर्चुअल नेटवर्क प्राइवेट वहाँ का ही होना चाहिए जहाँ से आपने कोई भी आईफोन डिवाइस का कंट्री लोकेशन जिस कंट्री में ख़रीदा है। अगर आपने जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल इन इंडिया ख़रीदा है तो आपको इंडिया का ही वर्चुअल नेटवर्क प्राइवेट होना चाहिए। आपने यूनाइटेड किंगडम में ख़रीदा है फ़ोन, अगर सेल्स जोन है इसका यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम का ही VPN वर्चुअल नेटवर्क प्राइवेट आपको सेलेक्ट करनी है इंटरनेट का, नहीं तो सर्वर प्रॉब्लम आएगा ही गाइस आपको। That's I was facing similar, but absolutely 100% guys आप terminate कर सकते हो iCloud activation lock को by using a console method। So almost 60% is completed guys। इसको एब्सोल्यूट 100% करना है गाइस, अदरवाइज नहीं होगा। अगर बाय द वे एंटी रिकवरी फ्लैश अगर एब्सोल्यूट 100% हो जाता है तो 100% आई श्योर यू गाइस यू विल बी एबल टू। नाउ 80% इज कंप्लीटेड। अगर गाइस किसी भी टेक्निकल एरर या इश्यूज अगर आप फेस करते हो तो सिंपली आप नीचे कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू योर क्वेरी गाइस, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा सिंपली।
सी iOS अप्रॉक्सीमेटली आप 12-13 तक ऑलमोस्ट इजीली आप कंसोल के ज़रिए क्लियर कर सकते हो, क्योंकि 13 तक मैंने 4-5 डिवाइस इजीली टर्मिनेट किया है गाइस। तो आप डोंट वरी, अगर आपके पास 4 हो, 4S हो, 5 हो, 5S हो, तो ब्लाइंडली आप इसके ज़रिए टर्मिनेट कर दोगे। बट अगर बाय द वे आईफोन 10X Pro अगर 14 है, तो अभी तक मेरे दुकान पे नहीं आया गाइस, बट व्हेन इट विल कम देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कि आप कैसे टर्मिनेट करोगे। सो 80% पे स्टिल स्टक है गाइस, हो सकता है व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। लेट मी सी गाइस, रिकॉर्ड भी हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरा वीडियो, हो रहा है तो सी गाइस, ए लाइव रिकॉर्डेड वीडियो है, सो आप देख लेना सिंपली और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना गाइस, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आप बोलोगे कि वीडियो गलत था या ये था वो था दिस टाइप, तो जस्ट वॉच केयरफुली, अगर एक बार समझ नहीं आता है दोबारा देख लेना, और सिंपली आप सी गाइस 0% पे रिकवरी में आ गया है आई डिवाइस। सो रिबूटिंग हो रहा है हमारा डिवाइस अब। अगर हम आईट्यून की सिचुएशन देखें अभी, तो देखो गाइस कनेक्ट नहीं हुआ आईफोन का, आईफोन इसके ज़रिए कनेक्ट नहीं है, बट इन थ्री यू टूल प्रोसेसिंग चल रहा है, और इसका आप कंसोल अभी भी क्लियरिंग कर रहा है जो भी डेटा अवेलेबल है। तो आप अभी आईट्यून स्टिल नॉट कनेक्टेड, बट सी इन थ्री यू टूल 0% है। वेट, आप डोंट डू एनी थिंग, फोन इज रिबूटिंग एट द मोमेंट सिंपली, सो आपको कुछ नहीं करना है। नाउ सी गाइज, ये नोटिफाई कर रहा है कि आपका डिवाइस कनेक्ट हुआ। सो अगर कनेक्ट हुआ तो सिंपली हम आईट्यून पे पहले आएंगे। इन आईट्यून गाइज अभी भी फोन कनेक्ट नहीं हुआ है, एंड इन हेयर कनेक्टिंग टू डिवाइस, सो अभी भी वेट करना है हमें। ऑलमोस्ट रीबूट होने ही वाला है ख़त्म, तो आपको इंतज़ार करना है, जस्ट वेट, डोंट डू एनी थिंग गाइज। नाउ हम ऑलमोस्ट हो गया है, बट वेट गाइज, अभी भी कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे आईट्यून, नाउ नोटिफाइंग दैट योर डिवाइस हैज़ बीन कनेक्टेड। सो आप आईट्यून पे सिंपली आ जाना आपको गाइज, और कंसोल को यहाँ पे जस्ट सिंपली गाइज आपको कट कर देनी है और आईट्यून पे रहनी है। नाउ वेट, इन आईट्यून क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट कनेक्ट हुआ है यहाँ पे गाइज, आई विल हैव टू वेट ऑन आईट्यून। नाउ सी गाइज व्हाट विल हैपन ऑन आईट्यून, स्टिल रिबूटिंग हो रहा है, नाउ एसेसिंग हो रहा है। नाउ सी गाइज, योर डिवाइस हैज़ बीन अनलॉक्ड। अब आपको गाइज यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट डोंट डू एनी थिंग, जस्ट यू हैव टू कम ऑन दिस एंटी रिकवरी हियर, और आपको सिंपली एंटी रिकवरी 0% है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जस्ट टूल में आइए गाइज आप, और यहाँ पे सी डीएक्टिवेट ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड होने दो आप एट ऑल, एंड जस्ट लेट मी कम वंस अगेन ऑन हेयर। नाउ सी डिवाइस हैज़ बीन कनेक्टेड और स्टिल अभी भी कनेक्टेड है इन आईट्यून, अनलॉक है डिवाइस। सो कैन आई गो फॉर कंटिन्यू, वेट गाइज, यहाँ पे सिंपली आपको पहले इन थ्री यू टूल में आके टूल बॉक्स, इन अ टूल बॉक्स में गाइज आपको एस्केप हेयर सेटअप
नाउ गाइस यहाँ पे स्किप एक्टिवेटेड सेटअप करनी है और स्टार्ट करनी है. सो गाइस नाउ सी सक्सीडेड स्किप्ड. फिर ओके करनी है गाइस यहाँ पे. फिर उसके बाद गाइस सिंपली आपको यहाँ पे अहेड करनी है एंड आई विल गो फॉर कंटिन्यू इट. सो लेट मी क्लिक ऑन नाउ सी गाइस वेलकम टू न्यू डिवाइस. सो ईजली गाइस नाउ सी जस्ट मैं कंटिन्यू करूँगा. सो नाउ सी इट हैज स्टार्टेड टू हॉल. नाउ सिंपली आप साइन करो या अदरवाइज अकाउंट मोड में जाके साइन इन कर दो. सिंपली इन साइन इन आपको न्यू क्रिएट एपल आई डी पे जाना है. और सी गाइज आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड होना चाहिए अदरवाइज फिर से एरर ना आए. बट ऑलमोस्ट इट कंप्लीटेड गाइज. वंस अगेन हम साइन इन पे जाएंगे एंड क्रिएट न्यू एपल आई डी पे क्लिक करेंगे. I will have to wait, guys. I know video is a lengthy, but properly by using this actually a strategy, guys. आप आसानी से terminate कर सकते हो. Now finally phone has a rebooted it all. So now see, guys. Here. नो लिंक्ड गाइज यहाँ पे आई डी लिंक्ड नहीं है बट शो नहीं कर रहा. सो सिंपली आपको अकाउंट फिर वंस अगेन साइन इन करनी है क्रिएट पे क्लिक करनी है. नाउ सी गाइज आप न्यू आई डी सेलेक्ट करो जो भी है जीमेल आई डी और आप पासवर्ड वेरीफाई कर लेना. बाकी कंट्री सेलेक्ट जोन कर लो और कंटिन्यू और इजीली आप इस पे न्यू एपल आईडी क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजी. और ना थ्री यू टूल गाइस नथिंग टू डू नाउ. अगर आपको एक्टिवेट ऑप्शन ले रहा है तो आप ले लेना डीएक्टिवेट. अगर अननेसेसरी अब तो हो गया है तो कोई ज़रूरी नहीं है. आई थिंक ये रिफ्यूज़ कर देगा कि ज़रूरी नहीं है आपको बट फिर भी देखते हैं. डीएक्टिवेट ऑप्शन सक्सेसफुली गाइज ये भी ले लिया मतलब प्रॉपरली आपका सेट अनलॉक्ड है. सो इजीली आप अब फोन एज ए न्यू एप्पल आईडी जनरेट करके आप चलाओ. सो गाइज अगर आपको ये वीडियो लगता है यूजफुल है दिस इज अ यूजफुल फॉर टर्मिनेटिंग ऑफ द एनी क्लाउड ऑफ द एक्टिवेशन लॉक देन प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ द चैनल. अगर आप सब्सक्राइब एंड जस्ट लाइक करते हो वीडियो को तो दस विल इन्हेंस माई मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियो फॉर एनहेंसिंग द नॉलेज इन आई टी सेक्टर फील्ड गाइज. सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल. थैंक यू गाइज थैंक यू वेरी मच. अगर आपको कोई क्वेरी हो किसी भी तरह की तो आप कॉमेंट कर देना बिलो कॉमेंट बॉक्स मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. सो थैंक यू गाइज थैंक यू.